subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिहार बोर्ड विद हामिद में। तो आज का जो टॉपिक है, आज करने वाले हिंदी 50 मार्क्स के जो हैं 25 टॉप क्वेश्चन। इसमें जो है एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ये फिक्स है, आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। और जो बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, कर लीजिए बिहार बोर्ड विद हामिद को, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हिमालय का संदेश शीर्षक जो है कविता के रचयिता कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो ऑप्शन में डी, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखो, हिमालय का संदेश शीर्षक कविता की रचयिता जो है कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। बताते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद एक क्वेश्चन में दो कहता है, रामनेश त्रिपाठी का जन्म जो है किस संवाद में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में भी 1946 में। तो रामनेश त्रिपाठी का जन्म जो है किस संवाद में हुआ था, तो 1946 में रामनेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, गीता का प्रकाश कहां से दुनिया में फैला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है भारतवर्ष से। तो गीता का प्रकाश जो है कहां से दुनिया में फैला था, तो भारतवर्ष से गीता का प्रकाश जो है वो दुनिया में फैला था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, गंगा जमुना में आंसू जल का क्या अर्थ है। तो गंगा जमुना में जो है आंसू जल का अर्थ होता है भारतवासी दुखी हैं। तो गंगा जमुना में आंसू जल का जो है क्या अर्थ होता है, तो भारतवासी दुखी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कालिदास की लालित योजना पुस्तक जो है किसकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो कालिदास की लालित योजना पुस्तक जो है किसकी है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं मेरा भी वीडियो देखने के लिए, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा एजुकेशन गैलेक्सी, तो आपको मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। तो क्या सर्च करना है, एजुकेशन गैलेक्सी। अगर आप लोग अभी जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली आपको वीडियो मिलता है, सभी सब्जेक्ट का मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कालिदास की लालित योजना पुस्तक जो किसकी है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बताते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद एक क्वेश्चन में छह कहता है, भारत माता कहाँ निवास करती है। तो भारत माता जो है कहाँ निवास करती है, तो गाँव में। इस क्वेश्चन का सी का राइट आंसर गाँव में। तो भारत माता कहाँ निवास करती है, गाँव में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है। तो क्या है, तो निबंधकार। इस क्वेश्चन का बी होगा राइट आंसर निबंधकार। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है क्या है, निबंधकार। इस क्वेश्चन का बी होगा राइट आंसर निबंधकार। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है क्या है, निबंधकार है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सुमित्रा नंदन पंत का जो है जन्म कब हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है 20 मई 1900 को हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर 20 मई 1900। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, धरती किसके समान है। तो धरती जो है माता तुल के समान है। धरती किसके समान है, तो माता तुल के। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रेमचंद का जन्म जो है कहाँ हुआ था, लंबी वाराणसी में। इस क्वेश्चन का सी होगा राइट आंसर, लंबी वाराणसी। तो प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, लंबी वाराणसी में। क्वेश्चन में 11, प्रेमचंद ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। तो प्रेमचंद ने कुल 300 कहानियां लिखी थी। क्वेश्चन में 12 कहता है, जुम्मन के पूज्य पिता कौन थे। तो जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती थे। इस क्वेश्चन का भी होगा राइट आंसर जुमराती। तो जुम्मन के पूज्य पिता कौन थे, जुमराती। उसके बाद एक क्वेश्चन में 13, छत्ती का दूध याद आना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में भी, अत्यधिक कठिन होना। तो छट्टी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ होता है, अत्यधिक कठिन होना। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, दांत काटी रोटी ना काटी है काटी होना चाहिए। तो दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो मित्रता होना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ होता है मित्रता होना। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, उन्नति का विलोम है। तो उन्नति का विलोम अवनति है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो उन्नति का विलोम क्या होता है, अवनति होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, शुष्क का विलोम है। तो शुष्क का विलोम जो है क्या होता है, आर्द्र होता है। तो शुष्क का विलोम क्या होता है, आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, आस्तिक का विलोम शब्द लिखे।
तो आस्तिक का विलोम नास्तिक। इस क्वेश्चन का बी होगा राइट आंसर नास्तिक। आस्तिक का विलोम क्या होता है? नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 18, जो शब्द पत्नी का पर्याय ना हो उसे इंगित कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में बी दोहित्र। तो पत्नी का पर्याय जो ना हो उसे क्या कहते हैं? दोहित्र कहते हैं। तो कहता है देखो क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लो, कहता है जो शब्द जो है पत्नी का पर्याय ना हो उसे इंगित कीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी दोहित्र। ऑप्शन ए कलत्र, भारिया, जाया, ये सब जो है पत्नी का पर्याय है और दोहित्र जो है वो पत्नी का पर्याय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मीर का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए कुड़ंग। मीर का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? कुड़ंग है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वीर का पर्यायवाची कौन नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए वीर का पर्यायवाची जो है क्या नहीं है? जबान नहीं है। तो वीर का पर्यायवाची कौन नहीं है? जबान। और आप लोग जाकर देख सकते हैं एजुकेशन गैलेक्सी यूट्यूब पर सर्च करके, आप लोग इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एवरीडे वीडियो मिलता रहेगा। और क्वेश्चन में 21 कहता है चक्रपाणी में जो है कौन सा समास है। तो चक्रपाणी में जो है बहुव्रीहि समास है। इस क्वेश्चन का सी होगा राइट आंसर बहुव्रीहि। क्वेश्चन में 22 कहता है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में जो है वो बहुव्रीहि समास है। इस क्वेश्चन का भी सी होगा राइट आंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीताम्बर में जो है कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दहेज का लिंग निर्णय करें। दहेज जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। इस क्वेश्चन का बी होगा राइट आंसर पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जल का लिंग निर्णय करें। तो जल जो है क्या है? पुल्लिंग है। इस क्वेश्चन का बी होगा राइट आंसर पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दिगंबर का संधि विच्छेद बताएं। तो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक् प्लस अंबर। इस क्वेश्चन का डी होगा राइट आंसर दिक् प्लस अंबर। तो दिगंबर का जो है संधि विच्छेद जो है क्या होता है? दिक् प्लस अंबर होता है। फ्रेंड्स इसी वीडियो में आपको जो है भावार्थ का भी दो क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि एग्जाम में भावार्थ से भी जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा रहमान जी बाबरी कही गई सरग पताल अपू तो कही भीतर गई ज्योति खात कपाल। आपको एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा और एक आपको जो रहेगा अथवा का क्वेश्चन, जिसे देखो निजर कहता है बढ़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर, जवान कहता है बढ़े चलो सोचो मत होगा क्या चलकर। तो इस दोनों में से आपको जो है एक का आंसर एग्जाम में देना है। तो चलिए फर्स्ट वाला का आंसर देखते हैं। कहता है रहमान जी बाबरी कही गई सरग पताल अपू तो कही भीतर गई ज्योति खात कपाल। तो देखते हैं इसका भावार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको लिख देना है क्या है, ये जो पंक्ति दिया गया ये रहीम से दिया गया। देखो प्रस्तुत पंक्ति रहीम कहते हैं कि जीव के महत्व को समझना चाहिए क्योंकि यह जीव अत्यंत ही बाबरी है। यह मनुष्य को अपनी उंगली पर सदैव नचाती रहती है, अच्छी मधुर बोली में सम्मानित करती है, हमारी प्रतिष्ठा हमारे भाव और भाषा से बढ़ती है। इसके विपरीत यदि कोई अपने जीव से अपशब्द निकालता है तो ऐसे व्यक्ति को जूतों से मार सिर पर पड़ती है। स्वर्ग नरक के भेद की चर्चा मनुष्य करता है तो आपस में वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह तो भीतर चली जाती है और उसके ऊपर जो है उसके कपार को चोट खानी पड़ती है। आपको इसी तरह लिखना है, लेकिन आपको शुरू में लिख देना है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है वो रहीम से लिया गया है। आपको अगर इतना लिख देंगे है तो आपको 1 मार्क्स वहाँ से आपको फिक्स हो जाएगा और उसमें से जो जो कहा गया है आपको ये लिख देना है। और चलिए दूसरा अथवा वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दूसरा अथवा कहता है निर्जर कहता है बढ़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर, और यौवन कहता है बढ़े चलो सोचो मत क्या होगा चलकर। ये आपको अथवा में देगा एक क्वेश्चन, तो इसका देखो क्या ये जो है पंक्ति आरसी प्रसाद सिंह के से लिया गया है। तो चलिए इसका भी देखते हैं। आपको जो है फिर इसी तरह लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां जो है आरसी प्रसाद सिंह रचित जीवन का झरना से उद्धृत है। कविता में कवि सतत गतिशीलता का संदेश देते हैं। जीवन उसे झरने के समान जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लगन लिए पथ की बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ता है। गति ही जीवन है और स्थिरता ही मृत्यु है, अतः मनुष्य को भी निर्भय निर्जर के समान हमेशा गतिमान रहना चाहिए। निर्जर बढ़े चलो कहता है आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़कर नहीं देखते, और युवावस्था भी बढ़े चलो कहती है और आगे चलकर यह होगा यह सोचना नहीं है। निजर कहता है और निरंतर बढ़ते हुए वह मनुष्य को भी उसी तरह आगे
बढ़ते रहने को कहता है। तो यही आपको इस तरह का आपको एग्जाम में लिखना है और आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये टॉप 50-25 क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो जो बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप लोग चाहते हैं मेरे चैनल से जुड़ने के लिए तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा एजुकेशन गैलेक्सी, ये आप लोग सर्च करके मुझसे आप लोग जुड़ सकते हैं। और साथ ही आप लोग बिहार बोर्ड विथ हामिद को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।